आज हम पढ़ते हैं भाई ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो हम पूरा देखेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप लोगों का क्या क्या आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? आपका टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड आती है। अगर हम बात करें पेयर ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस आप लोगों के पेल्विस रीजन में एक स्क्रोटम में क्या होते हैं, पैक होते हैं। मतलब एक स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम इज ए पाउच लाइक, एक पाउच होता है। वो किस लिए होता है इंपोर्टेंट? वो आप लोगों का क्या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कितना टेम्परेचर क्या मेंटेन रखता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रखता है, जो कि आप लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोचिरिडिज्म। इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड, अगर टेस्टिस क्या हो जाए, फेल टू डिसेंड मतलब आप लोगों का एब्डोमिनल कैविटी में होता है और वो इंजेनुअल कैनाल के थ्रू, किसके थ्रू, इंजेनुअल कैनाल के थ्रू क्या आता है, आपका पाउचेस में आता है, मतलब स्क्रोटम में आता है। अगर हम बात करें इंजेनुअल कैनाल, तो इंजेनुअल कैनाल क्या कहलाते हैं आप लोगों की, स्क्रोटम रिमेन कनेक्टेड विद द एब्डोमेन। हमारा जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, इंजेनुअल कैनाल के थ्रू। स्क्रोटम क्या है आप लोगों का, एक पाउच है। स्क्रोटम क्या है, पाउच है, हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक आप लोगों का, और नेसेसरी होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए भाई आप लोगों का, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के अंदर, हर एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स होते हैं, कितने लोब्यूल्स होते हैं, 250 क्या होते हैं आप लोगों के लोब्यूल्स होते हैं। वैसे तो आप लोगों का साइज वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन वो आप लोगों के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है। टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर बात करें तो कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं हर एक इसमें, आप लोगों के हर एक टेस्टिस में, मतलब आप लोगों के 500 कंपार्टमेंट होते हैं हर एक लोब्यूल्स में। क्या होते हैं, 1, 2, 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का अगर आप लोगों को फंक्शन बताऊं, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का ही मेन फंक्शन है आप लोगों का क्या, प्रोड्यूस करना, स्पर्म प्रोड्यूस करना। क्या करना जी, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। अगर हम बात करें ईच लोब्यूल कंटेन, अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में तो आप लोगों की क्या पाई जाती है, दो सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी, एक होती है आप लोगों की मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, एक होती है आप लोगों की सर्टोरी सेल्स। जो मेन फंक्शन होता है आप लोगों का मेल जर्म सेल्स का, मतलब बोले तो स्पर्मेटोगोनिया का, वो क्या होता है आप लोगों का, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करना। उसमें क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। फिर आप बोलोगे सर सर्टोरी सेल का फंक्शन क्या होता है, तो सर्टोरी सेल का फंक्शन होता है लड़ दो किसको, मेल जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और कोई फंक्शन नहीं होता उसका। अब क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या है, टेस्टिस है। अब टेस्टिस है, अब उसके अंदर क्या आप लोगों का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। फॉर एग्जांपल ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। अब जो भी हमारा स्पेस बचा हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया। क्या बोल दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया। उसमें क्या है आप लोगों की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जो कि आप लोगों का क्या क्या करती है बोली, दो सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स। सर्टोली सॉरी लेडिक सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है, लेडिक सेल्स पाई जाती है। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहां पर लोकेटेड होती है आप लोगों की, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेक्रेट क्या करती है, मेल हार्मोन को क्या करती है, सेक्रेट करती है, जिसका नाम क्या आप लोगों का, मेल हार्मोन का नाम है आप लोगों का एंड्रोजन। क्या नाम है भाई, एंड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या, सर्टोली सेल्स इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल प्रोवाइड क्या करेगी, न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन आ सकता है कि इनका फंक्शन और लोकेशन बताइए, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए ऊपर लिख रखा है क्वेश्चन, इस तरीके से आ सकता है। आप लोगों का स्क्रोटम का फंक्शन पूछ सकता है, स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो, टेम्परेचर रिमेन क्या रखता है आप लोगों का, डाउन रखता है हमारी बॉडी से कितना, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस रखता है। किसके लिए रखता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रखता है। और अगर हम आगे बात करें हमारे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 4 होती है जी। कौन कौन सी, रेटिकेस्ट्रेस, वेसाइफर्निशिया, एपिडेरमस, एंड देन क्या आती है, वेस्ट डिफेंस।
अब होता कैसे है, वेस्ट इफोनेशिया के थ्रू रेडी टेस्टिस में जाता है, देन क्या एपिडाइडाइमस, देन क्या वो हुआ वेस्ट डिफेंस। अब जो एपिडाइडाइमस है वो क्या करती है, हमारे स्पर्म्स को जो सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स में बना था लड़ दो, कहां पर टेस्टिस में, ठीक है, वहां से क्या करेगी ये, इसको एपिडाइडाइमस इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करती है, क्या करती है, इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करती है। इनहिबिटरी का मतलब है उसको वन मंथ के लिए अपने पास रखती है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी को बनाए रखने के लिए, किसके लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए भाई, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अब देखो रेटिटेस्टिस थ्रो वैसा इफोनेशिया, फिर क्या जाएगा आपका एपिडाइडाइमस, देन वेस्ट डिफेंस, सेमिनल वेसिकल और वो सब। अब लोगों को मैं अभी जो टॉपिक है लाइक इंपोर्टेंट है जो पूछ सकता है, आप लोग मेल सेसेसेटिंग डक्ट के नाम बताइए, वो सब बता रहे हैं। इनहिबिटरी नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका, पेनिस होता है, क्या होता है जी, पेनिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड कितनी होती है आप लोगों की, तीन होती है, कौन कौन सी, पीरियड होती है, सेमिनल, वेसिकल, एक क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक क्या, दो क्या होती है बल्बोयूथल ग्लैंड होती है, कि दो क्या होती है बल्बोयूथल ग्लैंड होती है। अगर हम बात करें इनका जो सेक्रीशन है, इनका जो काम है वो क्या करती है जी, फ्रक्टोज CA2 पॉजिटिव एंड एंजाइम क्या करती है, रिलीज करती है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए बल्बोयूथल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो बल्बोयूथल ग्लैंड का दूसरा नाम है आप लोगों का काउपर ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है जी, काउपर ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है बल्बोयूथल ग्लैंड का, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी क्या करती है, मदद करती है, आप लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहां पर होता है आप लोगों का, पेल्विक रीजन में होता है, कहां पे होता है भाई, पेल्विक रीजन में होता है। कौन कौन सी अगर हम बात करें क्या क्या होता है, एक फर्स्ट सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट आप लोगों को बता चुका हूं, एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, रेटिटेस्टिस, वेसा इफोनेशिया, एपिडाइडाइमस, देन क्या होती है वेस्ट डिफेंस। अगर हम बात करें ग्लैंड की तो ग्लैंड कितनी होती है, तीन, कौन कौन सी, सेमिनल, वेसिकल्स, दूसरी क्या आप लोगों की प्रोस्टेट, तीसरी क्या आप लोगों की बल्बोयूथल ग्लैंड होती है, क्या होती है जी, बल्बोयूथल ग्लैंड होती है। अगर हम बात करें आप लोगों का स्पर्म्स कहां पे प्रोड्यूस होता है, तो स्पर्म्स होता है आप लोगों का सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। अब आपकी बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स किससे मिलकर बनी होती है, तो दो सेल्स होती है, कौन कौन सी, मेल स्पर्म सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और जिसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब क्या होगा मेल स्पर्म सेल्स में क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, क्या होगी माइटोटिक डिवीजन होगी, जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगी नंबर क्या होंगे इंक्रीज होंगे, नंबर क्या होंगे इंक्रीज होंगे आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है आपके टेस्टिकुलर लोबिल की 250 कंपार्टमेंट होते हैं इस टेस्टिस में, जिसके अंदर क्या होती है आप लोगों की सेमिफेरस ट्यूबल्स होती है। फिर आप लोगों ने लोकेशन देखी, फंक्शन देखा, ठीक है। क्रिप्टोचाइडिज्म किसको बोला जाता है, इफ टेस्टिस नॉट टू डिस्टिंक्ट, अगर हमारा क्या है पेल्विक रीजन में ना है टेस्टिस, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, क्रिप्टोचाइडिज्म बोला जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।